मुंबई के एक मशहूर बाजार का नाम अब्दुलरहमान स्ट्रीट है। क्रॉफर्ड मार्केट से पायधोनी तक ये सड़क जो जाती है उसका नाम अब्दुलरहमान स्ट्रीट क्यों रखा गया, इसके मुतालिक अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बहुत से जो रिसर्चर और स्कॉलर्स हैं उन्होंने कई वजह दी हैं। इनमें से एक ख़ास जो है वो ये है कि किसी स्कॉलर ने लिखा कि इस बाज़ार का नाम जो है अब्दुलरहमान स्ट्रीट इसलिए रखा गया कि इसकी निस्बत जो है कल्याण में हाजी मलंग पहाड़ पर एक दरगाह है अब्दुलरहमान शाह बाबा की, सूफी संत जो हैं मुसलमानों की, उनकी निस्बत से ये नाम रखा गया। लेकिन एक और जो रिसर्चर थे सैमुअल टी शेफर्ड, उन्होंने कहा कि उनकी खोजबीन से उन्होंने ये पता लगाया कि ये अब्दुलरहमान जो थे वो 19 सेंचुरी के शुरू में एक जो है अरब ताजिर थे जो यहाँ रहते थे। वो घोड़ों की तिजारत करते थे और उनकी यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी, और अरब ताजिर के नाम पर जो है ये अब्दुलरहमान जो है स्ट्रीट रखा गया है। लेकिन एक और दूसरे मौखिक और स्कॉलर आर पी करकारिया का ये कहना है कि अब्दुलरहमान स्ट्रीट ना ही कल्याण के सूफी बुजुर्ग के नाम पर है, ना ही यहाँ ये किसी अरब ताजिर अब्दुलरहमान के नाम पर है, बल्कि यहाँ एक बड़े कोकनी मुसलमान ताजिर रहा करते थे। अब्दुलरहमान नाम था उनका, और वो उन्होंने तिजारत में बहुत पैसा कमाया और सारी जो आसपास की जायदाद थी वो उन्हीं की थी, उन्होंने खरीद रखी थी। और ये जायदाद जो थी, ये प्रॉपर्टी जो थी आसपास में, बाद में उनमें से एक बड़ा पार्ट जो है टाटा के जो बानी हैं जमशेद जी भाई, उन्होंने भी खरीदी थी उनसे ये जायदाद। तो ये अब्दुलरहमान स्ट्रीट जो है वो उन कोकनी मुस्लिम ताजिर के नाम से मंसूब है। बहुत से लोग जो है और हिस्टोरियन वो ये समझते हैं कि करकारिया ने जो वजह बयान की है वो ज़्यादा सही है, और ये अब्दुलरहमान स्ट्रीट जो है यहाँ के एक लैंडलॉर्ड जो थे, पुराने लैंडलॉर्ड जो थे अब्दुलरहमान, जो कोकनी मुसलमान थे, ताजिर थे, उनके नाम से मंसूब है।